हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आपका सिविल स्टैप हिमाचल के ऊपर। शिल्पा ठाकुर जी, गुड आफ्टरनून। मिस्टर क्लैक्स डॉन, राम राम जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सबका। और जैसा कि आपको पता है कि ये लेक्चर हमारा पॉलिटी का होता है, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, अभिषेक प्राचर जी क्लैक्स डॉन बन गए आप, ठीक है ओके। दीक्षा शर्मा गुड आफ्टरनून, निशु भारद्वाज गुड आफ्टरनून। चलो रविशंकर मेरा भाई कह रहा है बी। चलो पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। आसान है, थोड़े से आज इजी रखेंगे क्वेश्चन। हाँ जी आंसर क्या है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? सी 30, सी इज द राइट आंसर। देखो ये भी कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसको भी कम से कम 5-6 लोगों ने गलत कर दिया। आर्टिकल 84 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 84 जो है वो कहता है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ राज्यसभा एंड 25 ईयर्स इन केस ऑफ लोकसभा। ठीक है हाँ जी बिल्कुल। आगे चलें, देखो कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने तरीके की जो है रिट्स जो है रिट वो भारतीय संविधान के अनुसार 5, 4, 3 या 2। हाँ जी अब हाई कोर्ट का इस केस में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का आर्टिकल अलग अलग है, ठीक है। हाई कोर्ट का 226 और सुप्रीम कोर्ट का 32, ठीक है। रिट आंसर क्या है? 5। हमें पता है ना हीब्स कॉप्स शेरेवरारी मेंडमस, ये वाली जो सारी लैटिन वर्ड्स हैं, 5 रिट्स। आगे चलें नेक्स्ट, अब हीब्स कॉप्स है, हीब्स कॉप्स का मतलब है कि जो बंदा है डिटेन किया हुआ है उसको पेश किया जाए। यू मे हैव द बॉडी, पर्सन की डिटेंशन चेक करने के लिए कि उसको जो पकड़ा गया है लॉफुली पकड़ा गया है नहीं। टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी, पर्पस क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। हां दूसरा मैंडमस, जिसका मतलब होता है वी कमांड, यहां पर जो पब्लिक ड्यूटी की जा रही है, पब्लिक ड्यूटी याद दिलाने के लिए, ठीक है, लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट। फिर शेरेवरारी, ठीक है, ऑलरेडी कोई ऑर्डर पास हुआ है उसको क्वैश करने के लिए, इंफीरियर कोर्ट क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इनके अगेंस्ट। फिर प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग, जिसको हम बोलते हैं स्टे लगाना, स्टे लगा देना पर्टिकुलर केस के अंदर। फिर क्यो वरंटो, जहां पर अथॉरिटी पूछी जाती है कोई बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है कि आप किस किस चीज के तहत जो है ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो। हाँ प्रोहिबिशन हो गया। आगे चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? भेदभाव, किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव जो होता है उसके साथ डील करने वाला आर्टिकल कौन सा है? 11, 13, 15, 19। इजी है, तो थोड़े से आज मैंने रिवीजन के लिए थोड़े से क्वेश्चन इजी किए हैं, पिछली बार हम बहुत ज्यादा थोड़ा डेप्थ के अंदर भी जा रहे थे क्वेश्चंस के, ठीक है, आज थोड़ा सा इजी किए हैं। गुड आफ्टरनून जी, पूजा चौहान जी, आंसर क्या है? सी आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, 15। थोड़ा सा बेसिक रिवीजन के लिए मैंने आज इजी कर दिए क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 15 तो हमें पता है,
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो नहीं होगा, आर्टिकल 15 ये कहता है। नेक्स्ट, बट इसके अंदर एक्सेप्शंस भी आपको पता है, क्लॉज 2 जो है, तो ऐसी ये चीजें भी है। नेक्स्ट, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल जो 368 है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन के साथ, सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ, या इनमें से किसी के साथ भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, नन ऑफ द अबव। हां जी, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, दो तरीके के अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का हमें पता है, हिमालयन गर्ल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। दो तरीके के अमेंडमेंट है, पहली होगी स्पेशल मेजोरिटी, यहां पर यह चीज ध्यान देने वाली है, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, दूसरी बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, यानी स्टेट्स के कंसेंट के साथ, ठीक है, स्टेट्स की मंजूरी के साथ, स्टेट्स के कंसेंट के साथ, ठीक है, रेटिफाई करती है स्टेट्स, या स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, सबसे पहली बार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है वो कब अमेंड किया गया, संशोधन जो है वो कब किया गया पहली बार, 61 के अंदर, 60 के अंदर, 51 के अंदर, या 1954 के अंदर? आंसर क्या है जी? सी, 1951। हाँ बिल्कुल, आगे चलें, ठीक है। अमेंडेड ने इस ये जो जब पहली बार अमेंडेड किया गया था, अमेंडमेंट हुई थी, इसने एक स्पेशल प्रोविजन ऐड किया था फॉर स्पेशली जो एजुकेशनल बैकवर्ड जो है क्लासेस है ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए, और फुली कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वैलिडिटी सिक्योर करने के लिए जमींदारी अबोलिशन लॉ जो है उनको भी अबोलिश किया था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, भूमि सुधार, यही वो चीज है, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस कॉल्ड शेड्यूल 9 इंट्रोड्यूस किया था टू प्रोटेक्ट लॉ दैट आर कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सारी चीजें की गई थी पहली बार 1951 में, ये हमें चीज याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सी चीज जो है फंडामेंटल राइट्स की जब हम जिक्र करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ रिलेटेड नहीं है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, या राइट टू प्रॉपर्टी? इजी है बिल्कुल, क्या आंसर आना चाहिए? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक लीगल राइट बना दिया था 300A के अंदर, चला गया लीगल राइट बना दिया, हाँ लीगल राइट बन गया था, ठीक है, बिल्कुल लीगल राइट बन गया था राइट टू प्रॉपर्टी उसके अंदर से निकाल के। चलो आगे चलें, ठीक है जी, डी इज द राइट आंसर, आगे चलते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे जो है हमें पता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर, पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? अच्छा, आप में से किसी ने एक बात ध्यान दी है कभी, जितने भी हमें तकरीबन इस टाइम 25 के करीब लोग देख रहे हैं, हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है। अब लोकसभा के अंदर क्या होता है? ग्रीन कारपेट। राज्यसभा के अंदर क्या होता है? रेड कारपेट। यह क्या चीज सिग्निफाई करता है? एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है कि लोकसभा के अंदर हमेशा ग्रीन कारपेट होता है और राज्यसभा के अंदर जो होता है वो हमेशा रेड कारपेट रहता है, इसका क्या कारण रहता है? शिल्पा ठाकुर जी, नॉट एग्जैक्टली एग्रीकल्चर, नहीं,
नहीं एग्रीकल्चर नहीं उसका मतलब है। हाँ जी वो उसका पिछले क्वेश्चन का राइट टू प्रॉपर्टी था मनु ठाकुर जी बिल्कुल। रेड कारपेट फॉर इलाइट पीपल, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इलाइट मतलब ऐसा हमारे संविधान के अंदर या किसी चीज के अंदर हम कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं कि जी वहां पर मतलब फिर इस हिसाब से मतलब सिर्फ इलाइट लोग चुनकर जाएंगे, ऐसा भी क्या ऐसा हो सकता है? देखो खुद सोचो। हाँ जी देखो अब ग्रीन कारपेट का मतलब है ग्रास रूट्स यानी जमीन के, हाँ ग्रास रूट्स यानी जमीन के लोकसभा के अंदर जो है ग्रास रूट से उठकर कहीं से कोई भी बंदा चुनकर है वो जा सकता है ग्रास रूट से। ग्रीन का मतलब हुआ है ग्रास रूट्स, जड़ों के साथ कोई भी बिल्कुल गरीब से गरीब तबके का कोई बंदा है बिल्कुल कहीं से भी कोई भी बंदा जो उठकर है वहां पर जा सकता है। जो रेड कार्पेट है उसका सिग्निफिकेंस है सेक्रीफाइसेस, हमारे जो एल्डर्स हैं जो पुराने बंदे हैं बलिदान, रेड इज इक्वल टू सेक्रीफाइस और बलिदान, तो वो दोनों दोनों चीजें जो है वो इस चीज को सिग्निफाई करती हैं ठीक है। हाँ ग्रीन मतलब ग्रास रूट, जमीन से उठकर कोई भी बंदा वहां पर जा सकता है, और रेड का मतलब है सेक्रीफाइस ठीक है, बलिदान जो एल्डर्स हैं पुराने लोग जिनका बलिदान दिया गया उसकी रिस्पेक्ट है तो वो चीज है, ये सिग्निफाई करता है दोनों को। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि पॉपुलर चैम्बर जो है ठीक है किसे कहा जाएगा पॉपुलर चैम्बर, आंसर क्या है हमारे पास सी लोकसभा, इसका आंसर तो क्लियर है ठीक है जी लोकसभा। चलो ऐसे ना बहुत सारे सवाल हैं, देखो एक सवाल पॉलिटी के अंदर हमेशा ये किया जाता है कि क्या 60 साल प्लस जो लोग हैं 60+ ईयर्स क्या उनको वोटिंग राइट होना चाहिए, 60+ ईयर्स के लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए, ये एक सवाल है ठीक है। अब जो लोग कुछ लोग इसके पक्ष में है कुछ लोग इसके अगेंस्ट है ठीक है। अब बात यह है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 60+ ईयर्स के लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, उसका कारण वो देते हैं कि जी अब वो लोग किसी तरीके से किसी चीज के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अगर पॉपुलेशन एक सर्टेन एज से ज्यादा बढ़ जाए ठीक है, जैसे ब्रेक्सिट के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुआ कि मैक्सिमम लोगों ने ब्रेक्सिट से उसको बाहर जाने के लिए वोट कर दी, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा थी ज्यादातर 45-50+ ईयर्स के लोगों की, तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी चीज के अंदर, बट वो यंगस्टर्स के लिए वोट डालकर सिनेरियो चेंज कर देते हैं कई बार ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी डिबेट्स हैं ये राजनीति के अंदर, क्या सिर्फ एक ही चैंबर होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा नहीं होना चाहिए, कि अगर एक जगह सरकार बन जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, तो ऐसी कई सारी जो है ये बातचीत है ये चलती रहती है इसके अंदर। हमारे तो यहां शर्त है कि जब बंदा 50-60 साल का हो जाए, अब यहां पर हमारे यहां आपको पता है कि कुछ एक्टर्स और राजनीति के अंदर ऐसे बंदे हैं जो अभी तक 55-60 साल के हो गए, लोग अभी तक उनको बैचलर मान रहे हैं ऐसा है, और बैचलर के साथ भी उनको क्या बोलते हैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया, भारत के सबसे ज्यादा जो है मोस्ट एलिजिबल बैचलर है वो, कई सारे बंदे हैं ऐसे ठीक है। तो भाई वो शादी नहीं करा रहे कुछ नहीं करा रहे तो उनको बैचलर मत बोलो ना, 60-60 साल के 55 साल के बहुत हो गए हैं ठीक है। चलो आगे चलें नेक्स्ट, इफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, हाँ बिल्कुल जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है हमारे यहां जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस कंट्री से लिया हुआ है, हमें पता है बहुत सारी चीजें हमने ली हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उससे बहुत सारी चीजें हमने ली हुई है ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज से बहुत सारी चीजें ली हुई है, तो सेम जो मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वो कहां से लिया हुआ, ब्रिटेन यूएसए आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया, आंसर क्या है सी आयरलैंड, आयरलैंड हाँ आयरलैंड ठीक है आयरलैंड। आगे चलते हैं बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, जो रिमूवल है वो यूएसए से बोरो किया था,
प्रेजिडेंट को हटाने का जो मेथड है। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, इंपीचमेंट, हां जी इंपीचमेंट को हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। हां जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति, उनका जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होगा, मेंबर्स चुनेंगे लोकसभा के, मेंबर्स चुनेंगे राज्यसभा के, पार्लियामेंट के मेंबर्स या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हां जी, आंसर क्या आ गया जी, सी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हां बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज है कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बेल्ट से इलेक्शन होगा। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इलेक्टेड पर्सन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट भारत के चीफ जस्टिस जो हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एनवी रमना, डीवाई चंद्रचूड़, एच जे कानिया, रंजन गोगोई। ठीक है, बी, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग सीजीआई। हां जी, सीजीआई को इंक्लूडिंग 25, 31, 34, 38, आंसर क्या आ गया जी हमारा, सी, सी, हाँ 33+1। हाँ आगे चलें, करंटली 33 जज है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगेंस्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ 34। मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ जो है वो 34 हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, द जनता पार्टी केम इन टू पावर इन द ईयर, जनता पार्टी जो है वो किस साल में सत्ता में आई थी, जब एमरजेंसी का जो दौर चल रहा था। हां जी, आंसर क्या जी, सी। ठीक है, यहां पर जेपी मूवमेंट का जिक्र भी आता है, जयप्रकाश नारायण जो मूवमेंट थी, जेपी मूवमेंट। ठीक है जी, 1977 के जनरल इलेक्शन में द पार्टी डिफीटेड द कांग्रेस एंड जनता लीडर मुरारजी देसाई बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस, ये बात याद रखना, पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, हाँ मुरारजी देसाई। और ये मुरारजी देसाई को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला हुआ है, एक ही एक भारतीय जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ठीक है जी, निशाने पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान जो है वो इनको मिला। ठीक है, अब उसके ऊपर देखो सवाल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हालांकि वो चीज कभी प्रूव नहीं हुई, ठीक है, बट सवाल है कि जी मुरारजी देसाई ने पाकिस्तान को उनके न्यूक्लियर जो बनाने का है उसके अंदर हेल्प की, मतलब इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं आने दिया, जो रॉ के और कुछ बहुत सारे बंदों की जो इंफॉर्मेशन थी और अपने ही रॉ के बंदों को पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूट करवाया, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है जी, जो जो इनके ऊपर वो लगते हैं, 29 फरवरी को पैदा हुए थे मुरारजी देसाई, इनकी डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी की है।
ठीक है, पहले नॉन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। और हाँ देखो, ऐसी मतलब मैं नहीं कहता है नहीं है, बट मैं तो जो बात है वो बता दी। मुझे नहीं पता, मतलब मैं कंक्लूजन पे, क्योंकि मैं क्या कोई भी नहीं पहुंचा हुआ, ठीक है, बट हाँ बात तो जरूर होती है, ऐसा तो जरूर है कि हाँ। आगे चलते, ठीक है। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने, ठीक है। अच्छा, दुनिया के अंदर दो ही ऐसे बंदे हैं, पहले एक था, अब दुनिया के अंदर दो ऐसे बंदे हैं, दो ऐसे बंदे हैं, टू पर्सन, जिनको नोबल प्लस ऑस्कर मिला है। नोबल प्लस ऑस्कर पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो ऐसे बंदे हैं जिनको नोबल भी मिला है और ऑस्कर भी मिला है। वो कौन कौन है? एक को तो 2016 के अंदर ये कंडीशन पूरी हुई है, उससे पहले सिर्फ एक ही बंदा था। 2016 के अंदर आके दो बंदे हो गए जिनको नोबल प्लस ऑस्कर दोनों मिले हैं। हाँ जी, क्या नाम है? नोबल प्लस ऑस्कर सिर्फ दो बंदे हैं ऐसे। देर आर ओनली टू पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड हु आर बोथ नोबल प्लस ऑस्कर। एक तो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ, जो लिटरेचर के अंदर बहुत बड़ा नाम है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इंग्लिश लिटरेचर जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कोट बहुत लिखते हैं लोग सोशल मीडिया पर, उस पर। जैसे विलियम शेक्सपियर थे, बहुत बड़े बंदे हैं, ऐसे इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और दूसरा आई थिंक 2016 के अंदर, चेक कर लेना, वैसे मुझे थोड़ा श्योर ही है, आई थिंक बॉब डायलन है। ये दो बंदे हैं, सिर्फ दो ही बंदे हैं ये जिनको ऑस्कर प्लस नोबल दोनों मिला है, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं है। ये बॉब डायलन तो बहुत ज्यादा हिट बंदा है आजकल की जनरेशन के अंदर, गाने गुने बहुत सुनते हैं इसके। हाँ ठीक है, ये दो ही बंदे हैं बस जिनको नोबल भी मिला है, साथ में ऑस्कर भी मिला है, सिंगर एंड कंपोजर। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। आंसर क्या है जी? 395 ओरिजिनली। आगे चलें, ओरिजिनल टेक्स्ट जो था, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट के अंदर आया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात है, दुनिया के अंदर कहीं भी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी? इंदिरा गांधी थी, श्री मावो बंदरा नाइके थी, ठीक है, गोल्दा मायर थी, या एलिजाबेथ डोमिटियन थी? हां जी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो इज़राइल की थी। आगे चलें, ठीक है, नेक्स्ट। इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? पंचायती राज सबसे पहले किस स्टेट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? बिहार, राजस्थान, गुजरात या असम? राजस्थान। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? नागौर। कई बार ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेते हैं अब, क्योंकि राजस्थान लोगों ने रट लिया है, लोगों को पता लग गया कि राजस्थान है, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हाँ नागौर। आगे चलते, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन फॉर ए स्टेट इन इंडिया? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या यूनियन कैबिनेट? फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट्स के लिए?
आंसर क्या है? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा? 280, 280। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243, सेटअप द फाइनेंस कमीशन विद इन द, अब ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेटअप फाइनेंस कमीशन गवर्नर करता है, बट ठीक है जी, उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉलोइंग इयर्स फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एड की गई, 74, 75, 76 या 77। हां जी, क्या आंसर आएगा? हां जी, सी बिल्कुल, 1976। ठीक है, 42वीं अमेंडमेंट 1976, स्वर्ण सिंह कमेटी ओरिजिनली 10 थी, बट बाय 86th अमेंडमेंट 2002 देवर इंक्रीज्ड टू 11। आगे चलें, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिस्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है अपॉइंटमेंट और डिसमिसल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? आर्टिकल 70, 72, 75 या 73। हां जी, क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आ गया जी? सी, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस अदर मिनिस्टर इन द काउंसिल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अटॉर्नरी जनरल की अपॉइंटमेंट के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? अटॉर्नरी जनरल की अपॉइंटमेंट के साथ आर्टिकल कौन सा डील करता है? 53, 63, 76, 79। आर्टिकल 76, ठीक है जी, और इसका स्टेट के अंदर पैरेलल कौन होगा? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल पैरेलल होगा कहां पर? स्टेट के अंदर। हाँ, एडवोकेट जनरल स्टेट्स के अंदर एडवोकेट जनरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंडिया के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सेन, टीएन शेषन, राजीव कुमार या सुनील अरोड़ा? हां जी, आंसर क्या आ गया जी? सी बिल्कुल ठीक है, राजीव कुमार एंड अनूप चंद्रा पांडे। ठीक है जी, चलो ये था आज का आपका सेशन। ठीक है जी, तो धन्यवाद सबका, शुक्रिया, थैंक यू, और मिलते हैं अगले सेशन के दौरान और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके। आज मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चन किए थे ताकि पहले काफी कुछ हमने कर लिया, थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इजी के अंदर हम कई बार गलती कर देते हैं, बाकी अगली बार फिर थोड़ा सा और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल फिर इंक्रीज करूंगा मैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सबका, जितने भी दोस्त मित्र साथ जुड़े रहे, थैंक यू जी, थैंक यू।